लूट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और दोनों हाथों से लुटेरों ने लूट मचाई है। केजीएमयू में वीटीएम किट की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया और केजीएमयू वीटीएम किट में किट को यहां पर 35 लाख रुपए में खरीदा गया। आपको बता दें यहां पर उसी किट को यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन मात्र 7.25 रुपए में खरीद रहा है और जिस कंपनी से ये किट खरीदी जा रही है वो अलग अलग राज्यों को अलग रेट में वीटीएम किट दे रही है, जो एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रही है और जिसके जांच की मांग डॉक्टर नूतन सिंह ने की है। यूपी के लाइफ लाइन कहे जाने वाला मेडिकल कॉलेज में भी आपदा में अवसर यहां के वीसी ने तलाशा है और यही वजह है कि वीटीएम किट की में एक बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया। हालांकि उस टेंडर को निरस्त करके जो अपनी फेस सफाई है वो जरूर पेश की जा रही है, लेकिन जिस कंपनी से खरीदा जा रहा था वो 35 रुपए 40 पैसे में आपूर्ति कर रहा था, लेकिन वही कंपनी बिहार में अगर बात करें तो 19 रुपए 40 पैसे में दिया जा रहा था। इसके अलावा जो सप्लाई कॉरपोरेशन है वो 7 रुपए 25 पैसे की दर से 21 लाख किट का भुगतान किया गया। झारखंड में यही किट 22 रुपए 40 पैसे में भेजी जा रही है, लेकिन यूपी के मेडिकल कॉलेज, खासकर राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से पीपी किट 35 रुपए 40 पैसे में खरीदी गई, कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। के द्वारा टेंडर जारी किया गया कोरोना किट्स को लेके, उसमें 5 गुना रेट का फर्क था जिस कंपनी को टेंडर दिया गया। उसकी जब शिकायत मैंने की उसके बाद टेंडर निरस्त कर दिया गया, जबकि टेंडर निरस्त करना किसी भी तरीके से पूरे जो भ्रष्टाचार हुआ, गड़बड़ी हुई, उसका निदान नहीं है। वीसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चीजें जब सार्वजनिक हुई, शिकायत हुई, उसके बाद अपने फेस सेविंग के लिए उन्होंने टेंडर निरस्त किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया, वीसी के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ पूरे मामले पर कार्रवाई अभी तक की गई है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको मनीष की, जिस तरीके से कोरोना काल में वीटीएम किट की खरीद की गई थी, उसका टेंडर दिया गया था और उस वो कंपनी जो बिहार में 19 रुपए कुछ पैसे में वीटीएम किट दे रही थी, वो यहीं पर 35 रुपए 40 पैसे में वीटीएम किट दे रही थी, जबकि यूपी मेडिसिन सप्लाई कॉरपोरेशन सर 7.25 रुपए में ही वो वीटीएम किट दे रही थी। लेकिन जब मामला खुल करके सामने आया और एक्टिविस्ट के जरिए उस पूरे मामले की जांच की मांग भी की गई और वीसी को हटाए जाने की भी मांग की गई है, तो इस पूरे मुद्दे पर वीसी और केजीएमयू प्रशासन यू टर्न ले रहा है और टेंडर को निरस्त जरूर किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले इतनी महंगी दरों में वीटीएम किट क्यों खरीदी जा रही थी, जबकि यूपी मेडिसिन सप्लाई कॉरपोरेशन खुद 7 रुपए में ये किट देने को तैयार, लेकिन ऐसी कंपनी से लिया जा रहा था जो बढ़े दरों में दे रही थी। अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग रेट हैं, जो झारखंड में अलग है, बिहार में अलग है, लेकिन यूपी में उसके 35 रुपए 40 पैसे भारी वर्ग, मतलब 5 गुना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है बड़ी जांच की एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए और तब तक वहां के वीसी को हटाया जाना चाहिए जब तक की जांच पूरी ना हो जाए, क्योंकि ये इस मामले में बड़ा घोटाला खुलकर के सामने आ रहा है और इसकी बड़ी और कड़ी जांच होनी चाहिए। मनीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर लालगंज